की बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से, जहां एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। पिता की डांट से बेटा हुआ नाराज, किया बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला। इलाज के दौरान पिता की हुई मौत, बेटा हुआ मौके से फरार। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना सर्कल में रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना आई सामने, जिसमें एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता के पीठ पर धारदार हथियार से हमला कर जान ले ली। रामसागड़ा थाना अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, मांडा ग्राम पंचायत के आहारी फलाबस्ती में रामलाल ने अपने बुजुर्ग पिता पर कुल्हाड़ी से हमला तब किया जब उनके भाई के निर्माणाधीन मकान के लिए खेत पर पारी पर बांस लगाए हुए थे और कलयुगी बेटे रामलाल किसी बात की नाराजगी से लगे बांसों को कुल्हाड़ी से काट रहा था। बेटे की इस हरकत से पिता ने आरोपी बेटे को डांटा, जिस पर रामलाल ने पिता के पीछे आकर हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से कई बार करता रहा। उधर बुजुर्ग पिता का अन्य बेटा यह सब देखकर कलयुगी भाई को रोकने लगा, जिस पर कलयुगी बेटा मौके से फरार हो गया। इस तरह का मामला है। आज अरविंद पिता वीरजी ने लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे पिताजी को कल मेरे भाई ने बांस काटते वक्त बांस काटने के लिए मेरे पिताजी ने मना कर दिया, तो उसने पिताजी के सिर के पीछे कुल्हाड़ी मार दी, जिसको गामड़ी अस्पताल ले गए, वहाँ से डूंगरपुर लाए, डूंगरपुर से उदयपुर अस्पताल ले जाए ले गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी फरार है।